आई नो प्रॉब्लम, दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम मेरे पे दाढ़ी के साथ। ये लोग इसराइल से है पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इनको ना रशियन आता है ना मेरे को आता है, मेरे को ना उज़्बेक आता है। वेलकम टू माई कंट्री नंबर 84 उज़्बेकिस्तान। वी आर इन समरकंद व्हिच इज द सेकंड बिगेस्ट सिटी, सो बिग एंड माइटी एंड ब्यूटीफुल। इट्स गुड टू हैव दिस चेंज ऑफ कल्चर। मैं इंग्लिश में क्यों बात कर रहा हूँ, हिंदी में ब्लॉग चल रहा है ना मेरा। और इमिग्रेशन में थोड़ा लाइन था बट अपना जो ई वीज़ा है उससे काम बन गया, कुछ नहीं पूछा, एंट्री हो गई अपनी 84 नंबर कंट्री पे। हम लोग हैं समरकंद एयरपोर्ट पे, स्वागत है उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान और सेंट्रल एशिया की सीरीज़ की पहली वीडियो मैंने अबू धाबी यूएई से फ़्लाइट ले लिया था समरकंद के लिए, और मेरे बैकपैक के साथ ये फ़्लाइट मेरे को पड़ गया था अराउंड 5400 रुपये का। वही जेयर की फ्लाइट थी। अभी सुबह के 10:45 बज रहे हैं और हम लोग हैं अभी यहाँ पे उज़्बेकिस्तान के समरकंद एयरपोर्ट पे। अभी क्या करना है इमिग्रेशन का बताता हूँ। इमिग्रेशन पे कुछ नहीं पूछा, मेरे पास जो ई वीज़ा है, ई वीज़ा आपको आराम से मिल जाएगा। आप ऑनलाइन जाओ उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा, सिर्फ $20 दो और आपको ई वीज़ा आराम से मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं पूछा। एक प्रॉब्लम है कि इस एयरपोर्ट पर वाईफाई नहीं है, यहाँ पे भाषा उज़्बेक और रशियन यूज़ किया जाता है। बट अभी एयरपोर्ट पे हूँ, सभी को इंग्लिश आ रहा है, पैसे निकालने पड़ेंगे, पैसे निकालते हैं। वैसे तो कोई भी कंट्री चले जाओ जितना भी मॉडर्न हो, कैश तो निकालना ही पड़ता है, पर उज़्बेकिस्तान एक ऐसी कंट्री थी जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेंट्रल एशिया में ऐसे बैकडेटेड सोवियत यूनियन की कंट्री में भी ऐसा एक देश रहेगा जहाँ पर मुझे कैश निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक्चुअली हर जगह पे, लिटरली हर जगह पे आप कार्ड से टैप करके पे कर सकते हो, मेट्रो हो या बस, रेस्टोरेंट हो या फिर दुकान, हर जगह पे आप कार्ड से पे कर सकते हो, तो कैश निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी उज़्बेकिस्तान में। फिर भी मैंने ATM से निकाल दिया। और अभी मेरे को पता है आप अगर उज़्बेकिस्तान जा रहे हो सिर्फ $50-$20 एक्सचेंज कर लेना, बाकी तो आप कार्ड से पे कर दोगे। मैंने निकाला अभी दो लाख का मतलब कितना है क्या पता, समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे यार ये करीसी ने मेरी दिमाग खा लिया। सिटी से बस ले लिया सिटी की तरफ जाने के लिए, और मैंने सिटी में हॉस्टल बुक कर रखा है। ये बस मेरे को पड़ा 1400 सोम का। अभी 1400 सोम का क्या सीन है, 1000 सोम का मतलब है 7 रुपये, और 1400 सोम का मतलब फिर हो गया कितना, 10 रुपये। 10 रुपये का बस है सिटी जाने के लिए। टैक्सी मिल रहा था 300 रुपये में, बट जब 10 रुपये में टैक्स वो मिल जाए, क्या कहते हैं, बस, तो टैक्सी क्यों लेना। तो ये सीन है यहाँ पे। अरे यार बैग कब फट गया। तो देखो 10 रुपये कट गए मेरे बैंक अकाउंट से। पता नहीं यहाँ पे मेरा SBI का कार्ड काम नहीं करा ATM पे, सिर्फ एक्सिस बैंक का काम कार्ड किया। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कितना पैसा निकालूँ, तो मैंने निकाला 2 लाख सोम। अभी 2 लाख सोम का मतलब पता है कितना है, सिर्फ 1400 रुपये। सिर्फ 1400 रुपये में क्या होगा, मेरा 2 दिन निकलेगा, तो 2 लाख सोम निकाला हूँ मैं। बाद में शायद ज़्यादा निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे दिया मैंने 1400 सोम बस का। सिम कार्ड लिया, उसमें चला गया 70,000 सोम, जिसमें मिले मेरे को मिला 15 GB डेटा। 70,000 सोम मतलब आप कर लो 350 रुपये में 15 GB डेटा, बहुत बढ़िया डील मिला है। क्योंकि वेस्ट अफ्रीका में जब था तो 15 GB के लिए तो 3500 रुपये लग जाता, तो उज़्बेकिस्तान वाकई में सस्ता है, मज़ा आने वाला है सस्ते में घूमने के लिए। और वो है उज़्बेकिस्तान का फ्लैग, देख सकते हो नील सफ़ेद ग्रीन। बस ने मुझे इधर ही उतार दिया, और बगल में हॉस्टल है, हॉस्टल चलते हैं, नहा धो के वार्तालाप करते हैं उज़्बेकिस्तान के बारे में। बहुत दिन बाद हॉस्टल में रुक रहा हूँ, ये अपना हॉस्टल है, और इसके लिए देने पड़े $9, सस्ता नहीं है। इजिप्ट में तो 6-7-4 डॉलर दे रहा था, इधर $9 देना पड़ रहा है, जो कि बहुत महंगा है, पर क्या कर सकते हैं, यही सबसे सस्ता मिला। शायद कल कुछ और सस्ता ढूंढूंगा। इसमें तो 9 में ब्रेकफास्ट भी नहीं मिल रहा है, पर बढ़िया सा है इसी सा। और बहुत सारे टूरिस्ट मिल रहे हैं, ऐसा टूरिस्ट हम लोग को मिलता नहीं था पहले, अभी बहुत सारे टूरिस्ट मिल रहे हैं तो बढ़िया है। फ्लाइट लैंड किया था सुबह के 10 बजे, मैं तो सो गया था रूम पे। अभी शाम के 4:45 बज रहे हैं,
और अभी हम लोग निकले हैं थोड़ा समरकंद देखने। ऐसा नेबरहुड है जिंदा। कोई यहाँ का राजा हुआ करता था जिनके नाम पे ये मॉस्क है। ये यहाँ से शुरू हो जाता है ऐसे ही ब्लू कलर के टाइल्स यूज़ करके आर्किटेक्चर मॉस्क का, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नो आई डोंट थिंक सो, नो आई डोंट नो। पहला वाला हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे एंट्री के लिए 40,000 मांग रहे थे, 40,000 सोम, तो हो गया 10,000 सोम, मतलब 70 रुपये, और 40,000 सोम का मतलब हो जाता है फिर अपना 280 रुपये। नहीं दिया, अभी दूसरे स्पॉट पे आ गए। ये भी सुंदर है, आप देखो कितना सुंदर है, उधर वॉल्स पे देख सकते हो कितना अच्छा आर्ट है। आप देखोगे यहाँ पे 90% जो गाड़ियाँ है सारे सफ़ेद कलर में है, सारे सफ़ेद में। और ये पता नहीं क्या सीन है, गर्मी के लिए है या फिर क्या चीज़ के लिए है, सरकारी रूल है कि नहीं पता, वो हम लोग को आगे जाके पता चलेगा, पर अभी जो दिख रहा है वही आप लोग को बता रहा हूँ। सब सफ़ेद में है और लोग घूरते तो मज़ा आता है। आई लव समरकंद। टोपी लू क्या? ऐसा अच्छा लग रहा है मेरे पे दाढ़ी के साथ, उस पे फील आ रहा है थोड़ा बहुत। Just another one, and it's not even the main one to see in Samarkand. Yet so big and mighty and beautiful. It's good to have this change of culture. मैं इंग्लिश में क्यों बात कर रहा हूँ? हिंदी में ब्लॉग चल रहा है ना मेरा? अरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब में कन्फ्यूज हो रहता हूँ। एक और है बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही बड़ा, आप देख सकते हो। ये बना है 1400-1500 सालों में, यानी कि ये 500 साल पुराना मॉस्क है, विशाल बड़ा है। और ये तो मेन वाला है भी नहीं, ये वन ऑफ दी मेन वाला है, बट बढ़िया सा है यार। घुसने के लिए फिर से पैसे चाहिए ना, पैसे चाहिए 30,000 सोम, यानी कि 200 रुपये घुसने के लिए फॉरेनर्स के लिए, तो नहीं घुसते हैं। और दिखाते आप लोग। कल पड़ा हूँ मार्केट देखने, शायद मार्केट बंद हो गया है, 6:30 बज गए, 7 बजे तक तो मार्केट खुला रहना चाहिए, देखते मार्केट खुला मिलता है कि नहीं। अरे ये समरकंद का मेन मार्केट है, आ गया हूँ मार्केट के सामने, देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं।
जनरली लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, पर मैं गया था कल बाज़ार करने, लोग बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही हेल्पफुल है, और कोई चुना वुना नहीं लगाता इधर, जो दाम है वही बोलता है, उल्टा आप बोलोगे तो थोड़ा कम भी कर देगा, ऐसा सीन है। ये जो थालियाँ है ना, ऐसी थाली अपने हॉस्टल में भी है, इतनी अच्छी नहीं पर इसके लेवल वाली, उसी में हम लोग खा रहे हैं एक्चुअली। यहाँ पे तो दाम ज़्यादा होगा, पर अगर आपको सच में घर के लिए लेना है तो आप शायद हाई क्वांटिटी में सस्ते में ले सकते हो। एक क्या दाम चेक करता हूँ, क्या लिखा है, 140,000, यानी कि यार महंगा है यार, 1,000 का मतलब 7 रुपये, 10,000 का मतलब 70, 700, अरे यार 1,000 रुपये का एक कप, कुछ भी लूट रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, इतना महंगा होता है नहीं है, सस्ता होगा, बार्गेनिंग का खेल करना पड़ेगा यहाँ पे, बिना बार्गेनिंग के मज़ा नहीं आएगा, पर सुंदर है। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे बहुत मिल रहे हैं, किशमिश है, काजू है, अखरोट है, अरे अपने चने हैं, काजू है, काजू का दाम सुनना चाहिए, काजू महंगा होता है, हेलो स्कूल का 100 ग्राम, हाउ मच, हाउ मच किलो, हाँ 135,000, एक किलो का 135,000, 950 रुपये के जी, ओके 950 रुपये के जी, अपने उधर तो 700 रुपये का भी मिल जाता है, तो उतना तो सस्ता नहीं है, पर हाँ ये 135 बोला है, इसको आप कमा भी सकते हैं, किसी और से ले सकते हो। भाषा तो बहुत सिमिलर इनका, मैंने ये पूछा ये क्या है तो बोलता है बादाम है, कैसा बादाम ट्राई करते हैं, अच्छा बादाम के ऊपर चीनी दिया हुआ है, फैक्ट्री में बनाता है शायद चीनी डाल के, वेरी स्वीट, स्वीट चाय, वादा हाँ कुछ ना, लोग बहुत ही हेल्पफुल है, प्यारे है और दिल से साफ है, एकदम रशिया वाली याद आ गई। We can ask of my boss if you wanna. I never, if I see anyone in the street, any Uzbek man wearing this. Yes. No man. But it is big for me, so it won't sweet. Looks like for female. मैंने दुकान पे आया बोला मेरे लिए कोई कपड़ा दिखाओ. It is for men. Huh? It is big for me. It's not for men. It is very big for me. It is big for me, miss. Yes, mister. Yes, but it is for men. Any country I go, most things are girl. For men, nothing. For men, only white shirt, black shirt. Mm. I know, problem. This is very big problem. Wow. Salam. यहाँ पे एक छोटा सा याक और हट, व्हाट यू कॉल दिस, यॉट, छोटा सा यॉट है, यॉट मतलब जो जहाज पे चलता है वो वाला यॉट नहीं, इधर सेंट्रल एशिया में बहुत है, और ये उज़्बेक लेडी हम लोग की मदद कर रही है, पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इनको ना रशियन आता है ना मेरे को आता है, मेरे को ना उज़्बेक आता है ना इनको आता है, अभी पता नहीं क्या दिखा रही है, व्हाट इज़ दिस, वाओ Wow, you know it. No, don't suck it. Wow. 15,000. 1.5? Yes. Like $1.5. Discount, yes. Nice. One? बहुत बढ़िया चीज़ है यार, सिर्फ 10,000 सोम मतलब 70 रुपये में,
आप ले सकते हो कार्ड, कार्ड नो कार्ड, ओके आई कम बैक विद कैश लेटर. तो ये है फेमस रेजिडेंस स्क्वायर. अचानक यहाँ पे बैरियर लग गया. जनरली ये तो फ्री होना चाहिए था घुसने के लिए. एक्चुअली बहुत सारे लगा जगह पे फ्री पॉइंट भी, आप घुस जाओ कोई चेक करने नहीं वाला. पर टिकट मांग रहे हैं यहाँ पे 50,000 सोम या फिर 30,000 सोम के आसपास. पकड़ लो $5 यानी ₹400 टिकट है अंदर घुसने के लिए है. पर अगर बाहर का देखना है आप यहीं से देख सकते हो, या फिर शाम को लाइट शो होगा, लाइट शो भी इधर से देख सकते हो. बहुत ही बड़े हैं यार, बहुत ही बड़े हैं और बहुत ही सुंदर है. यहाँ से मैंने अभी शवरमा खा लिया. इसका पड़ा मेरे को 20,000 सोम. 20,000 सोम का मतलब आप लगा लो ₹140. 10,000 70,000 का मतलब 7. और अभी ना यहाँ पे कोई 20,000 नहीं बोलता, बस 20 बोलता है. जैसे पानी मैंने पूछा कितना, बोला 5 का मतलब 5 यानी कि ₹35. तो ₹35 में 1.5 लीटर पानी. आई एम श्योर ये और सस्ता होगा, यहाँ पे टूरिस्टिक एरिया में है तो महंगा पड़ रहा है. बट ₹150 में शवरमा सही है, ऐसा ही रेट होना चाहिए. ये लोग इसराइल से है. What is your name? Halel. Noam. Noam. और ये अपने साथ ही हॉस्टल में, तो हॉस्टल में साथ पे हम लोग घूम रहे हैं. अभी तो शाम के कितने बज गए, शाम के भी बज गए हैं इधर 8:30. 8:05 और इंडिया में टाइम हो रहा है 8:35. इंडिया से सिर्फ 35 मिनट का डिफरेंस है. इतना देर में जब ट्रैवल कर रहा था, इंडिया से 5.5 घंटे का डिफरेंस था एक महीने पहले जब मैं उधर था गाना में, और फिर अभी इजिप्ट आया और अभी इधर आ गया. अभी घर पे बज रहे 8:30 और यहाँ पे 8, एकदम इंडिया के ऊपर आ गया हूँ. अच्छा लग रहा है, अभी घर वालों के साथ टाइमिंग मैच कर जाएगा. ये मेरे को एकदम आर्मेनिया की याद दिला दिया. आर्मेनिया वो भी सोवियत यूनियन का एक देश था. जहाँ पे था वहाँ पे कितने सारे वाटरफॉल थे, वैसा फील आ रहा है जैसे सोवियत पुराने देशों में होता है, वैसा ही आ रहा है. यार क्या शहर बना है यार, एक के बाद एक, एक के बाद एक खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है. हर जगह पे जहाँ पे भी जाओ एक के बाद एक बढ़िया सा मिल रहा है. मज़ेदार शहर है यार, छोटा है, 2-3 घंटे में घूम लिया. पर उज़्बेकिस्तान में मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा. यहाँ पे लोग बहुत ही मज़ेदार थे. नाम का इस्लामिक है पर उतना फॉलो नहीं करते. आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है, रात में भी सुंदर, दिन में भी सुंदर. एक चीज़ खराब लगा कि यहाँ पे एंट्रेंस के लिए पैसे मांग रहे थे, और वो तो हफ्ते इंडिया में भी मांगते, उसके लिए क्या ही कंप्लेंट करना. बाकी पूरे सेंट्रल एशिया में जितने भी कंट्रीज है उनमें सबसे बढ़िया उज़्बेकिस्तान ही है. बाकी तो आपको पता चल जाएगा मेरे अपकमिंग वीडियोज़ में. तो लेट्स एक्सप्लोर सेंट्रल एशिया विथ योर एक्सप्लोरर राजा.